नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोहियां। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आई रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तूफान ताऊते संबंधित स्थिति पर बातचीत की। अभिनेता रजनीकांत ने कोविड राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को 50 लाख का सौंपा चेक। अखिलेश यादव का तंज, कोरोना काल में पूरी तरह पर्यटन मोड पर है योगी सरकार। कोलकाता में तेज हुआ TMC का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने CBI दफ्तर पर फेंके पत्थर। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों के लिए यूनाइटेड सिख ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 4,524 नए मामले सामने आए, 340 की हुई मौत। वाराणसी में माँ के सामने 10 घंटे तक पड़ा रहा बेटे का शव, निगम कर्मी ठेले पर लाद ले गए शमशान। लखनऊ में नगर निगम ने कई क्षेत्रों का सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में निकली 2,850 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती। सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की, बॉर्डर भी खोले, आज से सभी यात्रा प्रतिबंधों को हटाया। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।